मेरी तरफ देखो, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं फिलिस, क्या तुम मुझे भूल गए? तुम कहीं नहीं जाओगे, सुना तुमने? तुम मुझे सब कुछ बताओगे, तुम ऐसे नहीं जा सकते। ये क्या हो रहा है पापा? रो मत बेटा, फिक्र की कोई बात नहीं है। ये मेरी कोई नहीं है। मैं कोई नहीं हूँ, कोई नहीं। फिलिस, कुछ नहीं लगती मैं। खुद को संभालो, यहाँ एक बच्चा भी है। देखो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिलिस, तुम मेरी कोई नहीं लगती, समझी? अपने बच्चे को लो और जाओ। मुझे और बरिस को बातें करनी है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। सवस ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम जल्दी करो, हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं। वो क्या चाहती है? हाँ, तुमने अपने बीवी से क्या बताया है? कितने झूठ बोले हैं तुमने? बताओ मुझे, क्या क्या बोला तुमने? क्या तुमने बताया कि तुमने मुझे धोखा दिया? बताया कि तुम डिवोर्स हो? मुझसे प्यार करना तुम्हारी एक गलती थी, है ना? और तुम्हारे पास एक बच्चा भी है, ये बात भी तुमने मुझसे छुपाई। बोलो बरिस, छुपाई ना? और क्या क्या छुपाया है तुमने मुझसे? हाँ, बोलो बरिस। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो फिर तुम क्या चाहते थे बरिस? मैंने तुमसे झूठ बोला, शुरू से लेकर आखिरी तक सब झूठ था। तुमसे जब पहली बार मिला था, उस वक्त मैं अपनी शादी से परेशान था। मैं बस मजे के लिए कुछ ढूंढ रहा था, और पता नहीं क्यों लगा तुम्हारे साथ ये सब आसान रहेगा। तो ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो सच है। जब तुम जेल चली गई, तब मैं जैसे अचानक जाग गया और सोचा एक दिन तो जाना ही है। यही सोचकर मैं घर लौट गया। तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ बोल रहा है। तुम इतने बुरे नहीं हो सकते। देखो, जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, पर मैंने रास्ता बदल लिया है। तुम्हें भी बदल लेना चाहिए। चलता हूं। मुझे अपना रास्ता ढूंढने को बोल रहा है। कैसे वो मुझे अपना रास्ता ढूंढने को बोल रहा है? मिस विलिस, रुको, तुम्हें मुझे बताना होगा। पापा, क्या बात है? वो आंटी क्यों चिल्ला रही थी? वो पता नहीं क्यों चिल्ला रही थी बेटा, मैं नहीं जानता उसे। शायद मुझे कोई और समझ के वो मुझ पे चिल्ला रही हो। मम्मा सब संभाल लेगी, ठीक है? तुम बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है बेटा? ठीक है। धोखेबाज, झूठा, डरपोक, तुम मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? और अब अपना रास्ता ढूंढूं? मिस विलिस, आप शांत हो जाइए प्लीज। वो मुझे अपना रास्ता ढूंढने को बोल रहा है।
चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। चलिए प्लीज प्लीज चलो मेरे साथ। ज़ैनब, आई एम सॉरी मुझे देर हो गई। और जमील तुम? वो आ गया, मैंने बताया था कि मैं हिकमत की दोस्त हूँ, तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जमील? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था हिकमत, किसी और के घर में तुम चोरों की तरह क्या कर रहे हो? मैं चोरों की तरह? मेरी दोस्त इस्तांबुल से आई है और मैं नहीं चाहता था कि ये किसी गंदे होटल में रुके। मैंने यही बताया था लेकिन मिस्टर ऑफिसर सुने तब ना। हिकमत, क्या सच में इतनी ही बात है? क्या तुम्हारी बहन इस बारे में जानती है? देखो उन्हें कुछ नहीं पता, वो नहीं जानती हम बरिस के घर में हैं। और अगर उन्हें पता चला तो मैं समझ जाऊंगा किसने बताया है। उस कमीने की तो कोई खबर तक नहीं मिली, खुद देख लो उसने तुम्हारी बहन का क्या हाल बना दिया। क्या तुम जानते हो उसकी और उसके बाप की वजह से तुम्हारी बेकसूर बहन को जेल जाना पड़ा? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें इस मामले में क्यों पड़ना है? तुम्हें बरिस और फिलिस के रिश्ते से क्या लेना देना है? लेना देना है हिकमत, मोहल्ले में शांति बनी रहे इसकी जिम्मेदारी मेरी है। जब तुम आसपास नहीं होते हो तो हम ज्यादा खुश रहते हैं और हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। तुम जा सकते हो अभी, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। तुम लोग मेरे एहसानों की कीमत कभी नहीं समझ पाओगे। आज कौन खड़ा है तुम्हारे साथ? वो बुजदिल तो सब कुछ छोड़कर यहाँ से कहीं भाग गया, पर मैं हूँ हिकमत। शायद तुम किसी और बात से परेशान हो तभी इस तरह बात कर रहे हो मुझसे तुम। चलो कोई बात नहीं, कोई जरूरत हो तो कॉल कर लेना। वो तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं बोलेगा ना? वो नहीं बोलेगा, तुम चिंता मत करो, वो कुछ नहीं बोलेगा। मैं डर गई थी, उससे मेरा आईडी मांगा था। तुमने उसे दिखाया तो नहीं? वो तमाशा करेगा अगर जान गया तुम 18 से कम हो। तुम पागल हो, मैंने उसे बताया कि मैं 20 की हूँ। ठीक किया तुमने। पर उसने तुम्हें ढूंढा कैसे? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुमने बताया कि तुम घर जल्दी आओगे, बल्कि तुमने मुझे इंतजार करवाया, इसलिए जब मैं बाहर निकल रही थी तब पकड़ी गई। मेरी ही गलती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये रही तुम्हारी चिकन पैटी, अब इसे जल्दी से खा लो वरना ये ठंडी हो जाएगी। ओ नहीं, वो लोग यहां भी आ गए, मुझे यहां से तुरंत निकलना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पैटी खा लेना, मैं इसे बहुत दूर से लेके आया हूं, वेस्ट मत करना। मैं कल मिलता हूं। अरे रहमत। अरे यार। अरे कहां थे तुम? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं वहां से बाहर निकल आया, और घर की चाबियां भी भूल गया था तो मैं हाँ ये भी भूल गया था, थैंक्स। और दीदी कहाँ है? लॉयर ने बताया कि उन्हें बरिस का पता चला है और वो वही गई है। सच में? क्या हुआ है, बरिस कहाँ है? सच पूछो तो हमें कुछ भी नहीं पता, तुम्हारी दीदी को अचानक फोन आया और वो वहां से चली गई और हम सब यहां आ गए। और क्या, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसे एक बार तो कॉल कर लेना चाहिए। तो तुम ही उसे कॉल कर लो ना, वैसे भी मुझे तो लवस के बीच में कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, सच कह रही हूँ। चलो हम सब अंदर चलते हैं। चलिए चलिए। ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूं, पर तुम्हें उस धोखेबाज से छुटकारा तो मिला। वो तुम्हारे साथ और भी बुरा कर सकता था, शादी का नाटक भी कर सकता था। मैंने ऐसे बहुत से लड़के देखे हैं जो सिर्फ लड़कियों का फायदा उठाते हैं। उसके बेटे का नाम समझ था ना? वो सिर्फ एक फ्रॉड ही नहीं बल्कि सनकी भी है, तभी तो उसने अपना और अपने बेटे का नाम एक जैसा रखा है। मुझे जाना होगा। कहाँ जा रही हो?
पता नहीं, क्या तुम इसे खोल दोगी? मिस विलिस, मेरी बात तो सुनिए। मुझे नहीं पता। हेलो, हाय मिस्टर लॉयड, गुड इवनिंग। मैं फिलिस की दोस्त तुले बोल रही हूँ। हम फिलिस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो फोन नहीं उठा रही है। पता नहीं कहाँ है। क्या आपको कुछ पता है? हाय मिस तुले, उनका फोन गाड़ी में छूट गया है। अच्छा, तो वो कहाँ है, कहाँ पर होगी वो? शायद वो बार के अंदर गई। आप चाहें तो मैं आपकी बात करवा सकता हूँ। बार में है वो? बार के अंदर क्या करने गई है? मुझे नहीं पता, शायद रिलैक्स करने गई है। अच्छा, देखिए मिस्टर सलीम, उसने कभी भी अपनी जिंदगी में शराब को छुआ तक नहीं है। वो अपने डैड से बहुत अलग है। सब कुछ ठीक तो है ना? आप बताइए, सब ठीक तो है? आप ये सब क्या बोल रही? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो इतने आराम से बार के अंदर गई जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप घबराइए मत, मैं उसे सही सलामत घर ले आऊंगा। अभी मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? आपसे मैं बाद में बात करूंगा। मिस्टर सलीम प्लीज, मुझे बताइए, क्या वो बरिश से मिली? उन दोनों के बीच क्या हुआ, बताइए मुझे। वो दोनों मिले थे पर एक प्रॉब्लम हो गई है। बरिश शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, और फिलिस ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्या क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ तुले? क्या कोई प्रॉब्लम है? तुले क्या हुआ बताओ तो। क्या मुझे एक और मिलेगी प्लीज? मिस फिलिस, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ हाँ, डैड ये कैसे पीते थे? मिस फिलिस, थोड़ा आराम से पीजिए, ऐसे पीने से आपको नुकसान करेगी। तुमसे मतलब? तुम अपना ध्यान रखो। मेरे फियांसे ने शादी कर ली और उसका एक बच्चा भी है, तो मैं और क्या करूँ? हाँ चलो और डालो इसमें। मिस विलिस, देखिए आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आप पीना बंद कीजिए, मेरे साथ घर चलिए प्लीज, जल्दी कीजिए। अब तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि ये लड़की नशे में है और इसे कहीं भी ले जा सकता हूँ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए तुम? हाँ मैं जानता हूँ आपसे बुरा कोई भी नहीं है, लेकिन आप मुझे गलत मत समझिए। मेरी गाड़ी में आपका फोन छूट गया था, ये लीजिए अपना फोन। मैं जानता हूँ आप मर्दों से नफरत करने लगी हैं, लेकिन सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे गलत नहीं कह सकते। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, चलिए। क्या मुझे एक और मिलेगी? सुनो मेरी बात, इन्हें ड्रिंक मत दो। तुम चुप रहो, मैं इसे नहीं जानती हूँ, तुम इसमें और डालो, डालो ना। इतना कम क्यों डाल रहे हो, थोड़ा और डालो। मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? बरिश शादीशुदा है और बरिश का एक बच्चा भी है। जाओ जरा सा। अरे कैसे शांत हो जाऊं, मैं अभी उसे सबक सिखा के कहां जा रहे हो? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। समझे कहां जा रहे हो तुम? पहले दीदी को घर पे आने दो, तुम अभी कहीं नहीं जाओगे, समझे? देखो तो जरा कैसा बेवकूफ है ये। मुझे पहले से ही शक था, उसका अचानक से गायब होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अच्छी बात है कि तुम्हें पहले से ये सब पता था। अब पोपट की तरह बार बार एक ही बात दोहराना बंद करो, तुम्हें दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता है ना? मुझसे तुम इस तरह से बात मत करो, समझी तुम? इसमें तुम सबकी गलती है। इस रिश्ते की खामियों को छुपाना, जैसे कि बरिस बहुत अच्छा लड़का है और फिलिस का हमेशा ख्याल रखता है। हाँ हम उसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं, हमें पहले से पता था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। बताओ बताओ, तुम कहो ना कुछ। हाँ हमने बहुत कोशिश की, क्या हम कुछ और नहीं कर सकते थे रहमत? हम महीनों से फिलिस को झूठा दिलासा देते आ रहे हैं, और अब पता नहीं ये करने के बाद उसके साथ क्या होगा, मुझे भी कोई आइडिया नहीं। मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता।
समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है, और हम सबको मिलकर इस बड़ी बात के बारे में पता लगाना होगा। हाँ, तो तुम्हें अब भी लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है? जबकि वो आदमी शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है, उसने कई सालों से हमें बेवकूफ बना के रखा हुआ है। सही बात तो है। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो है, कोई ऐसी बात तो जरूर होगी। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो अब जाने दो, शुक्र मनाओ। इससे भी ज्यादा मुसीबत होती अगर उन दोनों का बच्चा होता तो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? प्यार में तो ये सब होता है। जरा देखो तो इसे, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है। राय का पहाड़। मुझे एक और ड्रिंक देना प्लीज। मिस विलिस प्लीज चलिए यहाँ से। मुझे छू मत, मैं खुद चली जाऊंगी, चली जाऊंगी मैं। कितना हुआ भाई? दुल्हन। मिस विलिस आप कहाँ जा रही हैं? अरे सुनो, तुमने इसके परिवार को ठीक से तो देख लिया है ना? परिवार बहुत जरूरी है, कभी कभी वो समझौता करवाते हैं शादी नहीं। ये एक वकील है, इनसे पूछ लो। देखो, हो सकता है इसकी कोई बीवी हो या फिर बच्चे हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ। उसने भी मुझसे झूठे वादे किए, मुझे रिंग पहनाए, सब कुछ किया था जैसे ये कर रहा है। तुम इसकी शक्ल पर मर जाना, उसने मुझे रिंग पहनाई थी पर वो शादीशुदा था। मिस विलिस, वो आपकी बात समझ गई है, अब हम यहाँ से चलते हैं प्लीज। एक मिनट रुको, मैं उसकी जिंदगी बचा रही हूँ, तुम समझ नहीं रहे। देखो, खानदान बहुत जरूरी है, तुम्हें अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है ना? समझ गए? सोच समझ कर शादी करना। देखिए, इनके बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी, शादी मुबारक। क्या कह रही थी? पता है, अगर मैं उसका खानदान अच्छी तरह देख लेती तो मुझे पता चल जाता कि वो शादीशुदा है, और फिर मैं उसे प्यार बिल्कुल नहीं करती ना। वो धोखेबाज फिर भी तुमसे शादी नहीं करता। अब इस बारे में सोचना बंद करो, खुद को तकलीफ मत दो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर तुम शादीशुदा होते तो क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करते? बताओ मुझे, तुम पागल हो क्यों? फिलिस, क्या वो तुम्हें शादी करने के लिए जबरदस्ती कर रहा था? हाँ, वो तो चाहता था मैं डिवोर्स जल्दी हो जाए। आई एम सॉरी, आप शादीशुदा हैं? मेरे लिए बस वो फॉर्मेलिटी थी, मुझे बस अपने बच्चों को साथ रखना था। मैंने उसे अपने भाई बहनों से भी बढ़कर चाहा। मेरी गाड़ी यहीं पास में, आप वहाँ तक चल पाएंगे? मैं अब कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, चलिए फिर। इस रब्बे, गलती मेरी है कि मैंने उस पर भरोसा किया। देखो, पहले तो तुम अपने आप को दोष देना बंद करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पता है कि उस वक्त हुआ क्या था? जैसे ही मैं ऊपर गई और मुझे बताया कि उसकी बीवी है, तो मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने भरोसा किया, मैंने उस पर भरोसा किया, क्योंकि वो बोलता था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वो एक बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, उसने पहले तुम्हारा भरोसा जीता और फिर तुम्हें धोखा दिया। मैं उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। फिलिस, मैंने सब कुछ खुद अपने कानों से सुना है, और मुझे यकीन है कि वो एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। तुम उसके लिए अपने आप को तकलीफ मत दो, समझी? तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम्हें रिश्तों की कद्र है। मेरी बात समझ रही हो ना? समझ रही हो कि नहीं? अब घर चलते हैं।
चलो मेरे साथ चलो। मुझे उल्टी आ रही है। सीधा जाइए फिर आगे से राइट। वो मुझे अपना रास्ता नापने के लिए बोल रहा है। अपने आप को समझता क्या है? वो मेरा रास्ता साफ है, मेरे पास मेरे भाई बहन हैं। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? 5। मैंने उन्हें दूसरे घर छोड़ दिया है सिर्फ उस धोखेबाज की वजह से। मैंने उस पर अपने बच्चों से भी ज्यादा भरोसा किया और उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं अपने बच्चों को वापस लाऊंगी। 300 मीटर से राइट टर्न लेना। वैसे लगता है तुम्हारा घर आ गया। मुझे छोड़ा मत। तुम्हारा घर आ गया। छोड़ा मत, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ा हूँ, तुम घर जाओ। हाँ, मैं खुद चली जाऊंगी ना, छोड़ो मुझे। क्या मैंने तुम्हें बताया था? क्या? बरिस के बेटे का नाम क्या? सेवेस। तूफान, ये तो पागल हो गई, कुछ भी बोल रही है। तुम्हें क्या बोलो? सुनो ना, इसका मुंह हमें धोना पड़ेगा। हाँ, मैं गर्मा गर्म कॉफी लेकर आती हूँ सबके लिए। दीदी, क्या आप ठीक हैं? आपको हॉस्पिटल तो नहीं जाना ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं उठ भी सकती हूँ। हाथ दो ना। देखो, मैं ठीक हो गई हूँ। देखो, मुझे उठ गई ना मैं। पता है, बरे से दूर रहना मेरे लिए अच्छा होगा, सच में बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। सही है, ऐसी हिम्मत रखना और अपने आप को कमजोर मत समझना। ऊपर वाला हर वक्त है तुम्हारे साथ। ये मजाक करने का वक्त नहीं है, तुम इसे फिक्री मत समझो। शांत हो जाओ तुले, जा रही हूँ मैं। बरे से कहना मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैंने उसे अपनी जिंदगी से फेंक दिया। जरा संभल कर। मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप जरा आराम से अंदर जाइए, आराम से। ठीक है, आप आराम कीजिए। छोड़ो मुझे। उसे आराम से सोना चाहिए, सुबह उठ के सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी उन्हें आराम से सोने देते। हाँ, हम बाहर चलते हैं। ये इन कपड़ों में कैसे सो सकती है? उसके पैसे कम नहीं हो जाएंगे अगर वो एक रात इन कपड़ों में सो गई तो। अरे चलो, अब चलते हैं, उसे आराम करने दो। अरे सॉरी, आप अभी भी खड़े हैं, आप प्लीज बैठिए ना यहाँ पर। नहीं, मुझे अब घर निकलना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाइए, कम से कम कॉफी तो पी लीजिए, अभी लेकर आती हूँ। बैठ जाइए आप। आइए बैठिए। मेरी चेयर ले आना प्लीज। तूफान,
मुझे पहले से ही पता था कोई उस गाड़ी के अंदर है, किसका पीछा कर रहा है। क्या इस्तांबुल के हॉस्पिटल कम पड़ रहे थे जो वो गेबजे भाग गया? देखिए मुझे अब चलना चाहिए, कॉफी के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा, ठीक है? यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप फिलिस को सही सलामत घर ले आए, उसके लिए भी। कोई बात नहीं, वैसे मुझे आप लोगों से कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। सर्वत अख्तन को आपकी बहन से कोई दिक्कत थी, उसने फिलिस को जेल क्यों भेजा? ये सब उसने अपने बेटे के लिए किया ताकि वो फिलिस को छोड़ दे। ये सबसे अच्छा होता कि वो फिलिस को सच बता देता कि उसका बेटा शादीशुदा है। खैर अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आइए मैं आपको बाहर छोड़ देती हूँ। उस गधे सरवत को खुद ही नहीं पता होगा कि उसका बेटा शादीशुदा है। सलीम बिल्कुल सही कह रहा था। और बस यही नहीं, अगर बरिस को कुछ बुरा करना ही होता तो वो फिलिस को जेल से क्यों निकलता और अपने डैड को सब कुछ क्यों बताता? क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? तो अब क्या करे भाई, उसे जाके थैंक्स कहे क्या? हो सकता है उसे अपने डैड से कोई तो प्रॉब्लम हो, क्या पता। हम लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं क्योंकि हमें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ। अरे मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कमाल करते हो यार। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिलिस कहाँ है? वो अभी सो रही है, हमने उसे उठाया नहीं। कम से कम दरवाजा तो नॉक कर सकते थे। नहीं नहीं, उसे मत उठाओ, तुम यहाँ चुपचाप बैठ जाओ, उसे आराम करने दो। मेरी दोस्त कभी इतनी देर तक नहीं सोती, मुझे फिक्र हो रही है, मुझे दरवाजा खोलना ही होगा। तुले, तुम्हें याद नहीं है कल वो पूरे नशे में थी, उसे सोने दो ना प्लीज। नहीं, तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली, क्या मैं उसे साल भर तक सोने दूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिलिस, हनी, मैं अंदर आ रही हूँ। ये क्या, वो यहाँ तो नहीं है? अरे अंदर नहीं, वो कहाँ चली गई? कमाल है भाई, वो अंदर नहीं कहाँ जा सकती है? कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा, कहीं वो रात में तो नहीं निकल गई? वो रात में कहाँ जा सकती है? मैं तो उसके साथ यही सो रही थी, मैंने उसे कहीं जाते हुए नहीं देखा। कॉल कर रही हूँ। हाँ। उनका फोन तो ये है। ओफो। फिको, फिको उठो, उठो फिको। अब क्या है, बीमार पड़ गई हो ना क्या? किराज, क्या हो गया तुम्हें? और तुमने तुम्हारी शक्ल देखी, कितने गंदे दिख रहे हो तुम, देखो तो क्या हो गया है। सच कह रही हो? ये सब कैसे हो गया, हमें फीवर नहीं हुआ है क्या? हमारे पूरे चेहरे पर दाग हो गए फीको, सब तुम्हारी गलती है, तुमने क्या पिला दिया बेवकूफ। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, तुम्हें नहीं पीना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, अब ये दाग इतनी आसानी से जाएंगे भी नहीं, क्या करेंगे किराज? अब मैं कुछ नहीं कर सकती जब तक ये दाग नहीं चले जाते, मैं स्कूल भी नहीं जा सकती, मैं रूम से बाहर भी नहीं जा पाऊंगी। हाँ, जैसे कि वो तुम्हारी बात मान जाएंगे, तुम्हें इन पिंपल्स की वजह से स्कूल नहीं भेजेंगे। अपनी बकवास बंद करो और दिमाग लगाओ, हमें इसे ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। जल्दी सोचो किराज, क्या करें हम, जल्दी सोचो। फिको, क्या हुआ तुम्हें किराज, कहाँ जा रही हो? किराज शांत रहोगी, क्या हो गया है तुम्हें? किराज सर, तुम्हें ही खुजली नहीं हो रही है, मुझे भी हो रही है, अब शांत हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जल्दी बाहर आओ, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। किराज, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे नहीं पीना है, अब तुम जाओ, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, घंटों से अपना मुंह धो रही हूँ, ये दाग नहीं जा रहे, सब स्कूल में मेरे पर हंसेंगे, तुम जाओ। किराज मेरी बात तो सुनो, ये पिंपल्स धोने से नहीं जाएंगे। फिक्रत, किराज जल्दी करो, तुम लोगों को देर हो जाएगी। सुनो, हमें जल्दी नीचे जाना होगा। किराज मैंने सोच लिया है, हम बोलेंगे कि हमें मीजल्स हो गया है। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, तुम नीचे जाओ और बोल दो कि किराज नहीं जाएगी। फिको, तुम दोनों सुबह सुबह अपनी नई माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारी बहन कहाँ है? डैड, मेरा चेहरा तो देखिए, इस हालत में कैसे स्कूल जा सकती हूँ मैं? ये तुम्हें क्या हुआ, इतनी अजीब क्यों लग रही हो? फिक्रत, किराज कहाँ हो, जल्दी आओ ना, देर हो रही है। रुको 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 रुको, तुम्हें इन्फेक्शन ना हो जाए, जरा इनकी शक्ल तो देखो। ये क्या हो गया? रुको, मलिक, रुको। क्या हो गया तुम लोगों को? मुझे लगता है मीजल्स हो गया है, क्या हम लोग दीदी को घर बुला लें?
नहीं हनी, ये मीजल्स नहीं है, ये एक प्रकार की एलर्जी है, पता नहीं कैसे हो गई। ज्यादा आराम ही इसकी वजह है और क्या। मिस हालत में स्कूल नहीं जाऊंगी। हमें दीदी को बुला लेना चाहिए। क्या जरूरत है उसे यहाँ बुलाने की, मेरा सर खाएगी बस यहाँ आके। मेरे बच्चों को ये क्या हो गया, फिक्र नहीं है आपको बच्चों की। बिड़ 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 बिड़। स्कूल नहीं जाना है तो मत जाओ, पर वो यहाँ नहीं आएगी। मिलिक मिलिक मिलिक, चलो 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 आ जाओ। मैंने अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया है तुम्हारे लिए। बच्चों को ध्यान रखते रखते तुम अपना ध्यान रखना भूल गई हो। तुम्हें ठीक से खाना होगा क्योंकि तुम एक बड़ी बीमारी से लड़ रही हो। फिक्री, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। हाँ सही कहा, चलो चलो। एक मिनट फिक्री, डैड हम पूल के पास जा रहे हैं, ठीक है? जहाँ जाना है जाओ, पर अपनी नई माँ से दूर रहना। क्या बात है, वो मान गए? मैं अपना स्विम सूट लेकर आती हूँ, तुमसे नीचे मिलूंगी। ठीक है, मैं दीदी को यहाँ बुला लूंगा, ठीक है ना? ऐसा मत करना, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई। उसकी हालत देखी थी ना कल रात को, वो बहुत ज्यादा नशे में थी। मुझे बहुत बहुत फिक्र हो रही है उसकी। क्या हम पुलिस के पास चले जाएं? शायद उनके पास कोई सलूशन होगा। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे पुलिस के बारे में तो भूल ही जाओ, कम से कम हम सब लोग मिलकर उसे आस पड़ोस में तो ढूंढ ही सकते हैं ना। तुम कहाँ थी दीदी? हम सब कितने परेशान थे। क्या मैं ब्रेड लेने गई थी? इसमें क्या हो गया? फिलिस रहमत, मैंने तुमसे 100 रुपए लिए हैं। ब्रेड बहुत ही फ्रेश है, खा लेना, ठीक है? मैं बाहर जा रही हूँ। दीदी एक मिनट, आप कहाँ जा रही हैं? अगर आप बरी से मिलने जा रही हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। क्या कहा, कौन है वो? मैं उससे क्यों मिलने जाऊंगी? तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, पर अब झूठ बोलने की सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। हाँ मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ वापस आई हूँ क्योंकि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ, समझ गए? सॉरी दीदी, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, इसमें क्या हुआ, वैसे भी मेरी जिंदगी का तो ये हिस्सा है। जो होना था वो हो गया, सोचकर कोई फायदा नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, उसने पूरी कोशिश की लेकिन तुमने बिल्कुल हार नहीं मानी। वो मुझे नहीं हरा सकता सेसिक। सही कहा, कौन है वो? तुम में आज भी इतनी हिम्मत है कि तुम किसी को भी दहाड़ सकती हो, मार सकती हो। हाँ। मेरी मानो। तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो अब मैं बाहर जा रही हूँ। अब तो बता कर जाओ कहाँ जा रही हो। आज रात तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है फिलिस, गुड बाय, अपना ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा, ओके? सुनो, क्या क्या कर रही थी तुम, उसे क्यों भड़का रही थी? शेर हो, दहाड़ सकती हो, किसी को मार सकती हो, उसकी हालत नहीं देखी तुमने? इसमें क्या बुराई है? क्योंकि बरीस ने उसे छोड़ दिया है, उसे बुरा महसूस होना चाहिए, घर में चुपचाप शांत बैठना चाहिए, रोना चाहिए, और क्या करना चाहिए उसे? तो हम क्या करें, आप ही बताइए, हम दीदी को रोने दें क्या? आप तो उसे जानती हैं, अगर उसने कह दिया कि वो ठीक है तो। तुम सब बात का बतंगड़ बना रहे हो, वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसके बच्चे और तुम्हारी बहन मुझे डांटेगी अगर तुम लेट हो गए तो। चलो चलो जाओ जाओ, बाय। मैं जल्दी वापस आऊंगा। बातें कीजिए, बाय। मुझे लगता है कि तुम्हें भी बहुत लेट हो रहा होगा। फिलिस के बारे में ज्यादा मत सोचो, हम सब ने जेल में काफी दिन गुजारे हैं। वो जेल में सिर्फ 5 महीनों के लिए थी, तुम मुझे मत बताओ कि मेरी दोस्त कैसी है। मैं कह रही हूँ ना, फिलिस को तुम नहीं जानती, वो बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। तुम घर जाकर आराम करो, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, हम बाद में बात करते हैं, अपने बारे में सोचो। अभी के लिए घर चले जाओ, मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगी, ठीक है? चलो बाय बाय। अरे तीवर तो देखो इसकी, एक नंबर की चिपकू है, और मुझे बता रही है मेरी दोस्त के बारे में। इसे तो मैं जल्द से जल्द भगा कर रहूंगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। कौन है ये आदमी, यहाँ क्या करने आया है? मिस मलिक, आपसे कोई मिलने आया है। वेलकम फिलिस, अंदर आ जाओ। कुछ लोगी तुम?
नहीं कुछ नहीं, मैं यहाँ सिर्फ बच्चों से बात करने आई हूँ। हाँ आओ बैठो ना। मिस मलिक, मैं बच्चों को लेने आई हूँ। वो तुम्हारे भाई बहन है और पहला हक तुम्हारा है, तो जैसा तुम चाहो। लेकिन बच्चे यहाँ खुश हैं फिलीस। मैं जानती हूँ कि यहाँ खुश हैं, लेकिन यहाँ कितनी देर रुकेंगे? उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आना होगा, और तब उन्हें कैसे संभालूंगी? जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो प्लीज, कुछ नहीं होगा। ओके और बाद में? फिलीस, मैं अभी भी जिंदा हूं ना, और इस हालत में जल्दी नहीं मरने वाली। तुम ज्यादा मत सोचो और उन सबकी इतनी चिंता मत करो, ठीक है? मलिक, मलिक तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मलिक, हमारा प्लान भूल गई क्या? याद करो, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ स्विमिंग पूल में होना चाहिए था। तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो, कोई बात नहीं है, ऊपर चलो, मैं तुम्हारी ऐसी मसाज करूंगा कि बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी। ठीक है फिक्री, मैं ऊपर जाकर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, तब तक तुम फिलीस के साथ बात कर लो। फिलीस कौन है? हाँ, मेरी ये नाकारा बेटी, मैं इससे बात नहीं करूंगा, बल्कि इससे तो कोई बात नहीं करता, पागल है ये। मेरी मरी हुई माँ के ऊपर जो गई है, इसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, कोई बात समझती नहीं, कब क्या बोलना चाहिए। मैं इसे कभी सीरियसली नहीं लेता, तुम्हें भी इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मलिक, मलिक, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जरा भी इंसानियत नहीं है तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी में दिक्कतें हैं तो क्या तुम इसके लिए मेरी बीवी को परेशान करोगी? वो बेचारी बीमार है, तुम लोग समझते क्यों नहीं? तुमने उससे सीधे सीधे ऐसा सवाल पूछ लिया जो मैं कभी नहीं पूछता। मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। तुमने? नहीं, मैंने नहीं पूछा, मैंने सिर्फ बच्चों के बारे में पूछा। बच्चों की कौन सी बात, बच्चे तो स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं आराम से। कहीं तुम्हें इन बच्चों को इतने बड़े महल में देख कर जलन तो नहीं हो रही? हाँ, आपने सही कहा मेरे बहादुर डैड के, मैं इन सब चीजों से जलती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये बच्चे ऐसी जिंदगी के साथ खुश हैं? जब मिस मैलिक गुजर जाएंगे तब आप उनको ये जिंदगी दे पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शादी के वक्त मैंने एक कागज साइन किया था जिसमें लिखा था कि मलिक के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं जानती थी, इसलिए मैं बच्चों को लेने आई हूँ। तुम बच्चों को यहाँ से नहीं ले जा सकती। आकर देखे मैं उन्हें यहाँ से कैसे ले जाऊंगी। देखो, बच्चों को तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। ये बताइए कि आपको बच्चे कब से पसंद आने लगे? इससे तुम्हें क्या? आपको मिस मलिक पसंद है इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। तो मलिक बच्चों से प्यार करती है, उनके रहने से उसे खुशी मिलती है, तुम वो खुशी छीन लोगी? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? ये सब बातें कहीं और इस्तेमाल कीजिए, ये बच्चे इंसान है, कोई खिलौना नहीं। दो रही है। रुको। चलो हम घर जा रहे हैं। क्या दीदी, आइए ना, बहुत मजा आ रहा है। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, जहाँ हो वहीं रहोगे। फिलीस, देखो अब बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लूंगा, चलो दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बढ़िया, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। अगर तुम लोग यहाँ से गए तो याद रखना कि मोबाइल, लैपटॉप और ये पूल हमेशा के लिए भूलना होगा। अब ले जाओ। लेकिन दीदी। फिक्रत, किराज, पूल से बाहर निकलो, इस्मत को लेकर आओ। हम सबको साथ ले जाने वाली है, कुछ तो गड़बड़ है, चलो यहाँ से। आप मेरे बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं? और तुम जो उनको डरा रही थी, देखो उन्हें, देखो खुद अपनी आंखों से देख लो, वो तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, तुमसे डरते हैं। आपके झूठे पैसों से तो मेरा डर ही बेहतर है। बेहतर है तो मैं क्या करूँ, चाहिए क्या तुम्हें मुझसे? मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ, सुपर डैड? हाँ हूँ मैं सुपर, अच्छा नहीं लगा ना? तुम मेरे पैसों से जलती हो, तुमने मेरी खूबसूरत जिंदगी में जहर घोल दिया है। मनहूस हो तुम, मनहूस, मेरी माँ की तरह मनहूस हो तुम। जब मैं जेल में थी डैड, तब आप एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए थे, याद है? तो आप ये सब मुझसे कैसे कह सकते हैं? मिलने आ भी जाता तो क्या बदल जाता, सुरंग से तुम्हें निकाल तो नहीं लेता ना? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती तुम? शादी कर लो किसी से, बरिस, सबस, जो भी नाम था, कहाँ गया वो तुम्हारा आशिक? मुझे छोड़कर चला गया। अब मुझे समझ में आया कि असल में बात क्या है, इसीलिए तुम यहाँ आई हो ना? तुम्हें छोड़कर भाग गया ना वो, जैसे ही उसे तुम्हारी असलियत का पता चला वो भी तुम्हें छोड़कर भाग गया। सच है ना? ये सच नहीं है, मैंने उसे छोड़ा है।
अच्छा देखो, मुझे अभी हॉस्पिटल पहुंचना ही होगा। मैंने कॉल किया था कि मैं आज लेट हो जाऊंगा। हाँ, मुझे पूरे हफ्ते पर ओवर टाइम करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है इसलिए। हाँ, एक्सक्यूज मी, सवा सक्तान की ऑफिस कहाँ पर है? यहाँ से सीधे जाइए, फिर राइट में। आइए। थैंक यू सो मच मिस्टर सवास, आपने हमारे बच्चे को बचा लिया, थैंक यू। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, अपना ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल। गुड डे मैम। मैंने फिलिस को सब बता दिया है और अब मेरे पास बताने को कुछ भी नहीं है। अरे तुम कैसे बदल गए, कैसे बदल गए बरिस? तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है हा? या तुम्हारे सर पर गहरी चोट लगी है, या तुम्हें एमनेशिया तो नहीं हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। मैं बस अपनी फैमिली के पास वापस लौट आया हूँ, और कुछ नहीं। चलो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यकीन नहीं हो रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूं रहमत? कोई और बात जरूर है। इसके पीछे तुम्हारे डैड है ना? तुम्हारे डैड ने साजिश की? उसने मेरी दीदी को तुमसे अलग किया और फिर जेल भेज दिया है ना? रहमत, मेरा 5 साल का बेटा है, समझे? क्या इसके बाद भी कुछ और जानना है तुम्हें? वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो भी हिस्सा है इस साजिश का, ताकि तुम्हारे डैड तुम्हें मेरी बहन से दूर रख सके। हाँ बोलो, यही बात है ना बरिस? देखो, जो कुछ हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता, समझे? मेरा मतलब, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। मैं सब भूल चुका हूं, और शायद फिलिस के लिए भी यही अच्छा रहेगा कि वो सब भूल जाए। नहीं, मैं नहीं मान सकता। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुमने उसे धोखा दिया और तुम अचानक गायब हो गए? हम रोज तुम्हें याद करते हैं, जानते हो हमने कितने सारे खत भी लिखे हैं तुम्हारे लिए। खत लिखे तो मैं क्या करूं, मुझसे पूछ के लिखे? मैंने कहा था गलती तुम्हारी है। अरे सुनो, इन बातों के लिए तुम्हें पहले ही बहुत मार पड़ी है, यहाँ तक कि तुम रास्ते पर सोए थे। हाँ, कुछ तो छुपा रहे हो, जरूर कोई ना कोई बात है। बरिस मुझे बताओ। रहमत मैं क्या सुनूं, बस करो, रहने दो, समझे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अपनी फैमिली को समझाओ, ठीक है? अपनी दीदी को समझाओ कि मुझे भूल जाए, समझे? मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है बरिस, लेकिन मैं ये ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। तुम ऐसे पहले नहीं थे बरेश।